गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह जैसे हमने थोड़े बहुत वायरस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे, तो आज हम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देखेंगे। तो कोई भी जैसे वायरस होता है, तो वायरस में सबसे पहले जैसे दो कंपोनेंट्स है, एक जैसे कोट है, दूसरा कोर होता है। कोट एंड कोर हम इसकी इलस्ट्रेशन पे भी आते हैं। एक जैसे कोट है और दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कोर। कोट की मीनिंग होती है कवरिंग, जैसे कोर की मीनिंग होती है जो इनर मास होता है उसे हम कहते हैं कोर कहते हैं। जो इनर मास होता है दैट इज कॉल्ड कोर। कोट के हवाले से फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू, जैसे एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड जो प्रोटीन का बना हुआ है और किसका बना हुआ है, यू नो वेरी वेल के बेसिक यूनिट्स, इनके सब यूनिट्स जो है कैप्सोमेयर होते हैं। इसी तरह से दूसरा कोट, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनके अंदर एक इन्वेलप भी होता है, एक इन्वेलप भी होता है, और उस इन्वेलप की जो नेचर होती है खासतौर पे लिपिड इन नेचर भी होती है, लिपिड इन नेचर। इसी तरह से जो कोर है, कोर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कोर जो है उसके अंदर एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल यू नो वेरी वेल के किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आइधर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं, आइधर डीएनए और आरएनए होगा। प्लस में कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जैसे एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद है। जैसे हम ये सारी इलस्ट्रेशन एक जैसे एचआईवी वायरस को देखें, एचआईवी वायरस को देखें जिसकी जिस तरह से स्ट्रक्चर इस तरह से है, जिसमें दो जिस तरह से आरएनए के मॉलिक्यूल है, एक आरएनए का मॉलिक्यूल दूसरा आरएनए का मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल्स के बाहर जैसे प्रोटीन का कोट है, इस प्रोटीन के कोट को हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं। आरएनए के मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन का कोट, प्रोटीन के कोट के बाहर जैसे एक लिपिड का भी एक और लेयर होता है, लिपिड का एक लेयर है जिसकी सरफेस पे और भी जैसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, दैट आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह से काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। तो ये जैसे आरएनए मॉलिक्यूल, इनका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से ये कैप्सिड है, प्रोटीन का कोट, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। इसके अलावा जैसे आप देखें लाइक ये जो है लिपिड का एनवेलप है, एनवेलप है, और एनवेलप के साथ साथ एक जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के जैसे रिसेप्टर्स होते हैं ये मौजूद है। प्लस में इस एचआईवी वायरस के अंदर थोड़े से एंजाइम्स भी होते हैं, जिसमें वन ऑफ देम एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जैसे अमल होता है उसके अंदर जैसे इसका रोल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जो आरएनए से डीएनए बने, आरएनए को टेम्पलेट बना के डीएनए जो बनता है उस अमल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटालाइज करने का काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये भी जिस तरह से लाइक जो इनर मास या कोर जो होता है उस पोर्शन के अंदर एंजाइम्स भी है इस पोर्शन के अंदर। अब जैसे हम देखते हैं किसी वायरस की स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी जैसे वायरस एक जनरली जैसे एक एनवेलप वायरस के अंदर एक जैसे कोट है, कोट के अंदर एक कैप्सिड भी आ जाता है, एनवेलप भी आ जाता है। जैसे ये प्रोटीन का कोट इमीडिएटली जेनेटिक मटेरियल के बाहर है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। एक और भी जैसे कोट का लेयर, दैट इज कॉल्ड एनवेलप, जो लिपिड का बना हुआ है। इसी तरह से कोर और सेंट्रल पार्ट में देखें उसमें जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए होगा या आरएनए। तो ये इसमें आरएनए की दो मॉलिक्यूल्स हैं, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। प्लस में और क्या होगा कोर के अंदर, कोर के अंदर एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे एचआईवी के अंदर, एचआईवी के अंदर जैसे एक एंजाइम जिसका नेम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो ये कोर पार्ट के अंदर होता है। तो कोई भी टिपिकल वायरस होता है तो उसकी एक इलस्ट्रेशन, ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे एनटीपी बुक के अंदर भी शामिल है। यकीनन आगे थोड़ा ऐसा ऐसा चलते जाएंगे तो वायरस की और भी जिस तरह से पार्ट्स को हम डिस्क्राइब करते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन ये जो होते हैं ना, जो ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, होस्ट सेल का, जो होस्ट सेल हर वायरस का जैसे होस्ट सेल होता है उसके रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करते हैं, तो उनके लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जैसे हमने कोविड सुबह जैसे कोविड के बारे में पढ़ा था, तो कोविड में भी ऐसे जिस तरह से स्पाइक्स मौजूद हैं वो जैसे खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ही बाइंड करेंगे उसके अंदर, उस सेल के अंदर, देन उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल। तो होपफुली आपने इसकी इलस्ट्रेशन को देखा,
अब जैसे हम इनकी जैसे पॉइंट्स को देखते हैं कि हमारे बुक के अंदर जैसे इनके बारे में जैसे डिस्क्रिप्शन के हवाले से क्या है, वही सेम पॉइंट्स है जो अभी हमने डिस्कस किए कि वो कंप्लीट वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन, वायरस के जैसे एक पार्टिकल वायरल पार्टिकल वायरियन जो इनएक्टिव फॉर्म में आउटसाइड द होस्ट होता है तो उसे हम जनरली वायरियन कहते हैं। प्राइमरली इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, कौन से दो पार्ट है, एक कोर है और दूसरा कोट है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कोर जो इनर जो पार्ट होता है और कोट जिससे आउटर पार्ट जैसे होते हैं कवर होते हैं उसे हम कहते हैं कोट कहते हैं, कोर एंड कोट। कोर इज द इनर पार्ट ऑफ द वायरियन विच कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस एंजाइम। तो एचआईवी के हवाले से हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था वायरल जीनोम एचआईवी का क्या था, जैसे आरएनए था, कुछ ऐसे भी वायरसेस अदर वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए भी हो सकता है, प्लस में वेरियस एंजाइम जैसे हमने एचआईवी के हवाले से पढ़ा था, एचआईवी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मौजूद है। इसी तरह से जेनेटिक जीनोम इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं, या डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक ही जैसे लाइक डीएनए या आरएनए होगा, विच मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। कोर प्रोटीन इंक्लूड वन और मोर एंजाइम, जैसे अभी हमने नोट किया कि कोर के अंदर जैसे एक से ज्यादा प्रोटीन भी हो सकते हैं, जैसे एचआईवी को आगे हम पढ़ेंगे, एचआईवी के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अलावा दो और भी प्रोटीन है जिनको आगे चल के डिस्कस करते हैं। दैट फैसिलिटेट द वायरस इन टू मोड ऑफ एक्शन विद द होस्ट बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस have the enzyme to convert the single stranded RNA genome, RNA genome को double stranded DNA में convert करते हैं। तो RNA थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था RNA को double stranded DNA के अंदर convert करने का enzyme जो होगा, यकीनन इस enzyme को कहते हैं reverse transcriptase enzyme जो HIV के अंदर मौजूद है। इसी तरह से retrovirus भी होते हैं, जैसे hepatitis B virus retrovirus है, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक टाइप है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे आगे हम पढ़ेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करता है, ये भी जैसे रेट्रोवायरस हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी यहाँ भी जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी का वायरस जो होता है उसके अंदर ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, एचबीवी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नेम है डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल जैसे पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, कंप्लीटली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिकॉज आप जैसे देखें एक डीएनए का स्ट्रैंड पड़ा है और दूसरा जैसे मुकम्मल तौर पर डबल नहीं, ये एरिया है जिस तरह से इसमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। तो ये जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस जब भी जैसे लिवर सेल्स के अंदर दाखिल होता है, जैसे ये लिवर सेल के अंदर एंट्री हुई है, एंट्री होने के बाद देन जो है लिवर सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस जैसे लिवर सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस की इंटीग्रेशन हुई है, यानी होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हुआ है, इंटीग्रेट होने के बाद यकीनन डीएनए से जैसे आपको पता है कि जैसे यकीनन डीएनए से जैसे आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जैसे अमल होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अमल के तहत आरएनए से वापस डीएनए बनेगा, तो इस अमल को हम कहेंगे कि ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का भी यही रोल है। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी के अलावा एचआईवी वायरस होता है उसके अंदर भी जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए बनाता है, जैसे यहाँ पे भी एक हम इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, नॉर्मली ये होता है डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड, जैसे कि डीएनए डीएनए से क्या बनता है आरएनए बनता है और आरएनए आगे क्या बनाएंगे प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, फर्स्ट ईयर में एचटीबी बुक चैप्टर 2 के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, जैसे डीएनए से आरएनए बनने के अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, यू नो वेरी वेल ट्रांसलेशन इस अमल को कहते हैं। कभी कभार ये होता है कि जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन का अपोजिट फॉर्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस एंजाइम के जरिए होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए, ट्रांसक्रिप्शन किसके जरिए होती है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जरिए होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए होगी, जिससे क्या होगा, जैसे ये आरएनए है
आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से जैसे यकीनन एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से जाहिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का एक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा जो यही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जैसे एक्शन होता है। होपफुली यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट थी, इतनी डिटेल नहीं है, इतनी डिटेल नहीं है, जस्ट हमें ये सीखना था कि यानी कि दैट कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंजाइम्स, प्लस में जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर भी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है, जिस तरह से उसका काम यही होता है आरएनए जीनोम देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का रोल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। इसी तरह से हमने एक और पॉइंट पढ़ी थी कि लाइक कुछ ऐसे भी वायरसेस होते हैं जिनकी सरफेस पे, जैसे आप देखिए ये कोविड है, कोरोना वायरस है, कोविड का वायरस है, जिसके सरफेस पे ये लिपिड का लेयर है, उसके साथ साथ ये स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स है जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर यकीनन होस्ट सेल होगा, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर है, इनके साथ ये बाइंड होंगे, बाइंड होगी तो देन जो है ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट सेल के अंदर दाखिल कर सकता है। जब तक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तो वो वायरस किसी भी सेल के अंदर जैसे एंट्री उसकी नहीं होती। इसी तरह से ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, एचटीबी के अंदर भी इनका जिक्र है, जैसे ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल क्या होगा, एचआईवी का होस्ट सेल यकीनन आपको पता है कि हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एचआईवी के होस्ट सेल है, इसकी मेम्ब्रेन के साथ साथ एक प्रोटीन होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं CD4। इसी तरह से ये एचआईवी वायरस है, ये एचआईवी वायरस है जिसका ये वायरल इनवेलप है जो लिपिड का बना हुआ है, इसके साथ ये जो आपको प्रोटीन नजर आ रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन का एक खास पार्ट होता है GP120। आगे जैसे कल की क्लास में इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे तो GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 और CD4 जैसे इसके को रिसेप्टर्स हैं, तो इसके साथ जब बाइंड होंगे तो देन वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल यकीनन देन होस्ट सेल के अंदर इंटर हो सकता है, अदरवाइज होस्ट सेल के अंदर इनकी एंट्री नहीं होती है। तो ये सारे जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे एचआईवी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। ये दो आरएनए के मॉलिक्यूल हैं, एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन कोट दैट इज कॉल्ड कैप्सिड, और ये जिस तरह से लिपिड का लेयर है और लिपिड के लेयर के साथ साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर होते हैं जैसे CD4 है, शायद हमने जैसे इम्यून सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था चंद दिन पहले, इम्यून सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था CD4 CD8। तो CD4 जो है जैसे हेल्पर टी सेल के साथ जैसे टी लिम्फोसाइट्स का एक टाइप है, उसके साथ ये को रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, एंड दे बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये किसका लाइक प्रोटीन है, दैट इज एचआईवी का पार्ट है, एचआईवी का उसके साथ बाइंड करेगा, देन एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल जैसे उसके बाद होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो ये वायरसेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जैसे हम यकीनन नेक्स्ट आएंगे, जैसे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के हवाले से, तो और भी जैसे हमारे बुक के अंदर कुछ और मजीद पॉइंट्स हैं, कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द पार्टिकल व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ कैप्सिड एंड एनवेलप, ये हो गया कोट, कैप्सिड कोट प्रोटेक्टिव एंड प्रोटीन सराउंडिंग द कोर, कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेड सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है किसी भी वायरस का, जैसे डीएनए हो या आरएनए, उसके बाहर जो प्रोटीन का कोट होता है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड रिपीटेड सेम एक जैसे सब यूनिट्स के बने होते हैं, और इन सब यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमेयर कहते हैं। और सुबह भी जैसे हमने क्लास में जैसे डिस्कस किया था, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर स्पेसिफिक होते हैं, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर तादाद इनका हर वायरस की एक आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बाजार वायरसेस एक जैसे भी नजर आ सकते हैं बट इनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी जैसे डिफरेंस ये है कि उसके अंदर कौन से जीन्स हैं। नंबर टू, जैसे प्रोटीन का जो कोट है कैप्सिड है उसमें कैप्सोमेयर की तादाद भी हर वायरस के हवाले से यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है, तो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस। फॉर एग्जाम्पल दो किस्म के वायरसेस की जैसे तादाद दी गई है हमारे बुक में,
जो टोकिन टाइप के सवाल है याद करने, जैसे हर्पेस वायरस के अंदर कैप्सोमियर की तादाद 162 है, एडीनो वायरस के अंदर जो है जैसे 252 कैप्सोमियर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे टोकिन टाइप के जैसे सवाल कहते हैं, ये है और याद करना, ये है फिगर है आपको याद करनी है। जैसे हर्पेस वायरस के अंदर जैसे 162 कैप्सोमियर एंड दैट इज एडीनो वायरस 252 कैप्सोमियर एंड इट्स कैप्सिड। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सिमेट्री इन वायरसेस, सिमेट्री कहते हैं ओवरऑल डिविजिबल, जैसे बॉडी प्लेन जो होता है या किसी भी स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सके, तो इस डिविजिबल प्लेन को सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री के हवाले से व्हेन कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन 20 ट्राइंगल्स, तो ऐसे वायरस को कहेंगे आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल, आइकोसा लफ्ज की मीनिंग ये है 20 ट्राइंगल्स आर 20 साइडेड, ज्योमेट्रिक डिजाइन जैसे होती, वेरियस ज्योमेट्रिक डिजाइन होती, जिसमें इसमें कोई ट्राइंगल है, कोई स्क्वायर है, इसी में रेक्टेंगल है, पॉलीगोनल है, हेक्सागोनल है, ये जैसे डिफरेंट टाइप की डिजाइन या शेप्स बनती है, ज्योमेट्रिक शेप्स बनती है। तो एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप जिसके अंदर 20 ट्राइंगल्स हो, 20 ट्राइंगल एक ही शेप के अंदर हो, ऐसे वायरस की जो शेप तो लिए हम एक जनरल टर्म यूज होता है आइकोसाहेड्रल। थोड़ी देर में हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं आइकोसाहेड्रल की, जो स्फेरिकल इन नेचर भी होता है, पॉलीहेड्रल और स्फेरिकल नेचर हो सकता है। व्हेन द कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन अ हॉलो कॉइल दैट अपीयर्स रॉड शेप, जैसे सुबह भी जैसे हमने पढ़ा था, ऐसे वायरस को हम हेलिकल कहते हैं। जैसे TMV वायरस है, उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमने पढ़ा था कि वो ओवरऑल रॉड शेप और उसके अंदर जो है अपीयर्स एज अ रॉड शेप, और उस वायरस को जैसे हेलिकल इन नेचर के हेलिकल। फ्यू वायरसेस आल्सो हैव एडिशनल लिपोप्रोटीन एनवलप, कुछ ऐसे वायरस, जरूरी नहीं है कि सारे वायरसेस के अंदर जैसे लिपिड और प्रोटीन का जैसे एक एडिशनल लेयर हो, जरूरी नहीं है। जैसे हमने केमिकल नेचर और वायरस के बारे में जैसे पढ़ा था, वो दैट इज न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर, एक न्यूक्लिक एसिड DNA या RNA होना चाहिए प्लस प्रोटीन का कोड, यही केमिकल नेचर है वायरसेस की। बट कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके अंदर एडिशनल लिपिड का लेयर होता है, जिसके साथ साथ सरफेस पे और भी ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ओवरऑल हम कहेंगे लिपोप्रोटीन एनवलप। लिपो रेफर्स टू लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन का जो एनवलप होगा उसे हम कहेंगे लिपोप्रोटीन, जैसे एडिशनल एनवलप अराउंड द कैप्सिड व्हिच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। कैसे, जिस तरह से हम कोविड की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सेल्स के अंदर जाता है, अपनी मल्टीप्लीकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसके बाद उस सेल को डिस्ट्रॉय करके जब बाहर निकलता है, तो जाहिर है ह्यूमन की लिवर सेल उसकी जो मेम्ब्रेन है, यकीनन जैसे आपको पता है उसका जो लिपिड कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट है, उसी में से जो ये एनवलप ड्राइव होता है। इसी तरह से आप HIV का भी एग्जांपल ले सकते हैं, HIV मल्टीप्लाइज इन हेल्पर टी सेल, जब हेल्पर टी सेल रप्चर होंगे, HIV की कॉपीज मेनी बनेगी, उसको रप्चर करके जब बाहर निकलेगा तो उसका जो लिपिड पोर्शन है वो इसके एडिशनल कवर या कोट के अंदर आ जाता है, तो ये जो एडिशनल लिपोप्रोटीन अराउंड द कैप्सिड विच इज ड्राइड फ्रॉम, एक्चुअली इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से मिलता है, इसको अपने होस्ट की सेल मेम्ब्रेन की सरफेस है, वहां से जो है ये एडिशनल लिपिड का लेयर आ जाता है एंड कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स। और इसके साथ साथ क्या होगा, वायरली इनकोडेड प्रोटीन की मीनिंग है जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं सरफेस पे होते हैं, एक लिपिड का लेयर प्लस सरफेस प्रोटीन, जैसे अभी हमने ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द HIV का जिक्र किया था या ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द कोविड का जिक्र किया था, एक लिपिड का लेयर है और उसके साथ साथ ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर होते हैं मॉलिक्यूल। द वायरल एनवेलप इज ऑफन कवर्ड विद ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स दैट हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज द होस्ट सेल। तो जैसे आपको पता है कि हर एक जैसे वायरस का एक स्पेसिफिक होस्ट सेल होता है, जैसे कोविड के लाइक जैसे होस्ट सेल्स हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स हैं, इसी तरह से HIV का जो होस्ट सेल है दैट इज द हेल्पर टी सेल है, तो हर एक वायरस का एक अलग जो होस्ट सेल होता है उसको रिकॉग्नाइज कौन करते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स होते हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था HIV के लाइक प्रोटीन का जो लाइक रिसेप्टर्स जैसे होते हैं ना, तो ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 जैसे अभी हमने पढ़ा था, वो इस वायरस का जैसे रिसेप्टर है। अगेन इसी रिसेप्टर के हवाले से देखते हैं,
जैसे AC2 रिसेप्टर, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है, ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड इन नेचर। ACE2 ये रिसेप्टर है, ACE2 जो है होस्ट सेल के जैसे लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिसेप्टर है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, किसका ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो है कोविड वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके साथ जब बाइंड होगा तो देन जो होस्ट सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल एंटर हो सकता है। इसी तरह से हम देखें लाइक ये जो एच आई वी है इसकी सरफेस पे क्या है, ये ग्रीन कलर के जैसे ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन किसके साथ बाइंड करेंगे, जो होस्ट सेल होता है उसके एक रिसेप्टर है, होस्ट सेल जो हेल्पर टी सेल है, इसमें आपको यकीनन ये पर्पल कलर की लाइक जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ये CD4 है, CD4 रिसेप्टर्स है, ये इन ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे, देन उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर एंटर हो सकता है। कल हम इसका एक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, बट सिंपली ये है कि ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। जैसे ये जैसे ग्लाइकोप्रोटीन के नेचर होते हैं स्पाइक प्रोटीन, ये सारे जो है जैसे कोविड के हैं, और इसी तरह से ये भी जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है HIV के जैसे सरफेस के जैसे ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं अपने होस्ट को। इसी तरह से हमने थोड़ी देर पहले आइकोसाहेड्रल पढ़ा था, 20 ट्राइंगल, जैसे आइकोसाहेड्रोन की मीनिंग होती है पॉलीहेड्रोन होता है जिसमें 20 फेसेस होते हैं, 20 ट्राइंगल्स होते हैं, 20 ट्राइंगल्स वाले जैसे ट्राइंगल को हम कहेंगे, 20-साइडेड ट्राइंगल को हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल, जिसका एक एग्जाम्पल है दैट इज आइकोसाहेड्रल 20-साइडेड ह्यूमन राइनो वायरस है, ये राइनो वायरस है, उसकी जो शेप इस तरह की होती है 20 उसमें जो ट्राइंगल्स होते हैं। इसी तरह से हेलिकल वायरस जिसका एग्जाम्पल TMV है, आपने जैसे सुबह पढ़ा था ये TMV टोबेको मोजेक वायरस हेलिकल है, ओवरऑल अपियर किस तरह से होगा, राड शेप होगा, तो ये हेलिकल हुआ और ये आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल दैट इज द 20 ट्राइंगल इन नेचर होते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारे बुक के हवाले से देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, तो वायरस की क्लासिफिकेशन के डिफरेंट जिस तरह से बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे लाइक क्लासिफिकेशन की जा सकती है, तो क्लासिफिकेशन इज आइदर बेस्ड अपॉन होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म की मीनिंग ये होती है, जैसे आपको पता है कि वायरस इज ओब्लिगेट पैरासाइट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, अपने होस्ट की बॉडी को यूज करेगा और उसमें अपनी कॉपीज बनाएगा। अगर उसका प्लांट सेल होस्ट है तो ऐसे वायरस को हम कहेंगे प्लांट वायरस, अगर एनिमल सेल जैसे उसका होस्ट है तो उस वायरस को हम कहेंगे एनिमल वायरस, अगर बैक्टीरियम कोई जिस तरह से इसका जो होस्ट है तो ऐसे वायरस को हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज कहेंगे, सच वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, डिपेंड करता है होस्ट पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे। या एक और बेस है क्लासिफिकेशन का स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, सच एज स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है, जीनोम का टाइप का मतलब है कि आइदर जो जेनेटिक मटेरियल है DNA है या RNA है, जेनेटिक मटेरियल DNA या RNA, तो इसे हम कहेंगे जीनोम टाइप। एंड मोड ऑफ एक्शन इन द होस्ट, मोड ऑफ एक्शन के भी बेसिस पे जिस तरह से इसकी जो क्लासिफिकेशन की जा सकती है, तो इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरस पार्टिकल आर वायरियम, और इन सम केसेस द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन। रेप्लिकेशन के हवाले से जैसे आगे हम पढ़ेंगे STB बुक के अंदर भी थोड़ा बहुत है, जैसे एक वायरस होते हैं जिससे हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंडेड वायरस और दूसरे होते हैं माइनस स्ट्रैंडेड वायरस, एक वायरस होते हैं रेट्रो वायरस जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होता है अमल होता है, जैसे हमने पढ़े थे प्लस स्ट्रैंड वायरस जैसे RNA वायरस होते हैं, जब भी जेनेटिक मटेरियल उनका होस्ट सेल के अंदर दाखिल होगा डायरेक्टली एक्ट्स एज अ मैसेंजर RNA और डायरेक्टली होस्ट सेल से अपने प्रोटीन बनाएगा, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं प्लस स्ट्रैंडेड वायरस, जिसे हम सेंस स्ट्रैंडेड वायरस भी कहते हैं। दूसरे एक RNA ऐसे वायरसेस होते हैं जो होस्ट सेल में इंटर होने के बाद डायरेक्टली जिस तरह से प्रोटीन नहीं बना सकते, सबसे पहले होस्ट सेल में इंटर होने के बाद एक और नई कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री mRNA बनाएंगे, देन वो mRNA देन यकीनन अपने प्रोटीन बनाएगा, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं माइनस स्ट्रैंडेड वायरस, जिसे नॉनसेंस वायरस कहते हैं। नॉनसेंस इस सेंस में कि वाई बिकॉज जब भी होस्ट सेल के अंदर दाखिल होता है तो उसको डायरेक्टली प्रोटीन बनाने की उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है, इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये नॉनसेंस हो गया, माइनस स्ट्रैंड हो गया।
देन वो क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए देन प्रोटीन बनाता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन, या दूसरे लफ्जों में हम इसे कहें कि लाइक मोड ऑफ एक्शन इन द होस्ट, इसके अकॉर्डिंगली भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो जो भी हमारे बुक के अंदर है डिस्क्रिप्शन, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर होस्ट पे देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द होस्ट बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा होगा, ऐसा वायरस होगा यकीनन जिसका जो होस्ट होगा बैक्टीरिया होगा, तो ऐसे वायरस को हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। अगर एनिमल वायरस तो इसका होस्ट क्या होगा, यकीनन कोई एनिमल होगा। प्लांट वायरस तो इसका होस्ट क्या है, प्लांट वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक्स बैक्टीरिया। ये डीएनए वायरस होते हैं जिसकी पॉलीहेड्रल हेड होता है एंड टेल होता है। यकीनन आपने लोअर क्लासेस में बैक्टीरियोफेज की इलस्ट्रेशन पढ़ी होगी, डायग्राम पढ़ी होगी। तो बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर ये इसका हेड रीजन है, पॉलीहेड्रल है, मेनी साइडेड है, और इसकी एक बेस प्लेट होती है, प्लस में टेल फाइबर्स भी होते हैं। तो इस तरह की लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये हेड रीजन होता है और हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। तो इसी तरह से एक पॉलीहेड्रल हेड है, ये पॉलीहेड्रल हेड होगा, आगे इलस्ट्रेशन भी है, एंड टेल रीजन होता है। तो ऐसे वायरस को हम, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम डीएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल है। प्लांट वायरसेस मोर देन 2000 टाइप्स वायरस हैं और कई प्लांट की डिजीज कराते हैं। इसी तरह से मोस्ट प्लांट वायरसेस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूडिंग टीएमवी हैविंग आरएनए जीनोम। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जैसे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनका अक्सर जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए होता है। आरएनए जीनोम का मतलब है उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। इसी तरह से मेनी वायरसेस हैव रॉड शेप्ड कैप्सिड, रॉड शेप्ड कैप्सिड जिस तरह से टीएमवी है, इसी तरह से एक और भी है वायरस, इसका नेम है पोटेटो येलो डवार्फ वायरस। पोटेटो येलो डवार्फ वायरस, पोटेटो उसके अंदर डिजीज करवाता है जिसमें पोटेटो के ट्यूबर है वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये भी एक रॉड शेप कैप्सिड होता है। तो इस हवाले से भी ये क्लासिफिकेशन ऐसे की जा सकती है, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर वाइज भी की जा सकती है। इसी तरह से होस्ट के हवाले से एक वायरस है जैसे जिनका होस्ट अगर एनिमल्स हैं तो इससे एनिमल वायरसेस, एनिमल वायरसेस जाहिर है वायरसेस तो ओब्लिगेट पैरासाइट होंगे, पैरासाइट होंगे यकीनन तो आखिर में डिजीज का भी सबब बनेंगे। जब एनिमल वायरस यकीनन ये पैरासाइट है और पैरासाइट होंगे तो आखिर में होस्ट को डिजीज भी दे जाते हैं। जैसे एक वायरस है एनिमल्स के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज को शॉर्ट फॉर्म में फुट एंड माउथ डिजीज FMD कहते हैं, FMD। इसमें क्या होता है कि अक्सर एनिमल्स के माउथ रीजन के अंदर ब्लिस्टर, थोड़े से बबल से ऐसे भरे हुए पस से या वाटरी फ्लूड से भरे होते हैं, माउथ रीजन के भी अंदर होते हैं और फुट के अंदर भी होते हैं। ये एक वायरल डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं फुट माउथ डिजीज, फुट माउथ डिजीज। FMD causes fever followed by the development of vesicles or blisters chiefly in the mouth and the foot। ये डिस्क्रिप्शन हमारे बुक में नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो वायरस जो है लाइव स्टॉक यानी ये जो कैटल है उसके अंदर जो है, जैसे बफेलोस एंड काउस है, उनके अंदर फुट एंड माउथ की डिजीज होती है। इसी तरह से एक और वायरस है जिसका नेम है रॉस सार्कोमा। सार्कोमा बायोलॉजिकल साइंसेज में जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग होती है कैंसर, यानी ये कैंसर काइजिंग वायरस है, कॉजेज कैंसर इन एनिमल्स, खासतौर पर कौन से एनिमल्स, चिकन के अंदर। और ऐसे वायरस कैंसर काइजिंग वायरस को हम कहेंगे ओनको वायरस। ओनको भी जिसे, ओनको भी जहां पे भी लफ्ज इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग भी कैंसर होती है। देखिए ये चीजें डिस्क्रिप्शन है, आप इन्हें याद करेंगे, कोई इसमें फिनोमेना नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वायरसेस है, शेप है, जेनेटिक मटेरियल है, टाइप लिखा हुआ है, डिजीज लिखी हुई है। जितनी आप क्रैमिंग और मेमोराइजेशन करेंगे वही जो आपकी जो है उसमें एक्सपर्टीज बनती जाएंगी, और उसी सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंदर आप जो इंटेलिजेंट होंगे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको क्रैमिंग करके याद करेंगे। रॉस सार्कोमा, सार्कोमा लफ्ज की मीनिंग है कैंसर, कैंसर एनिमल्स में, जैसे ये चिकन और ओनको वायरस से हमारे बुक्स में टर्म इस्तेमाल नहीं किए गए, तो भले आप इनको याद ना करें बट एडिशनली आपके लिए जैसे ओनको लफ्ज की मीनिंग भी कैंसर होती है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ओनकोलॉजी, मे बी आपने पढ़ा हो। इन मेनी वायरल इन्फेक्शन वायरसेज अटैक एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, और उसमें डिजीज भी अपियर होती है।
हमारे बुक के अंदर जरा थोड़ी सी इनमें डिफरेंट स्पेलिंग है, थोड़ी सी एरर है, सही लफ्ज ये है पेपुवा वायरस हमारे बुक में लिखा हुआ सही लफ्ज है पेपुवा वायरस। और ये क्या काज कराता है, पेपिलोमा कराता है। स्किन के ऊपर एक ऐसी आउटग्रोथ बनती है, आउटग्रोथ होती है, जिसे कहते हैं पेपिलोमा कहते हैं। स्किन के ऊपर इलस्ट्रेशन में देखते हैं पेपिलोमा। और हमारे बुक्स में जैसे वार्ड्स लिखा हुआ, वार्ड्स का ही टाइप है पेपिलोमा, वार्ड्स का ही एक टाइप है, थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं पेपिलोमा। पेपुवा वायरस। इसी तरह से एक और वायरस है पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स का सबब बनता है। पिकोर्नो वायरस पोलियो वायरस का हेपेटाइटिस ही है। पैरामिक्सो वायरस जैसे एसटीबी में भी लिखा हुआ है, मीजल्स एंड मम्स, ये ऐसा सवाल है जो मेनी टाइम टेस्ट में आ चुका है, पैरामिक्सो वायरस काजेस मीजल्स एंड मम्स। हम इनकी इलस्ट्रेशन सबकी देखते हैं कि किस तरह की ये डिजीज का जैसे सबब बनते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा हेलिकल वायरस टीएमवी, जिसका एक एग्जाम्पल था हेलिकल वायरस टीएमवी। इसी तरह से एक पोलीहेड्रल वायरस जिसकी मेनी साइडेड है, मेनी साइड्स है, तो पोलीहेड्रल वायरस है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसके अंदर एक जैसे इन्वेलप्ड वायरस होता है। ये जैसे बैक्टीरियोफेज है जिसका एक पोलीहेड्रल जैसे हेड है और दूसरा टेल रीजन है। इसी तरह से ये एक एडीनो वायरस है, एडीनो वायरस की भी मेनी साइड्स है, मेनी जिस तरह से ज्योमेट्रिक डिजाइन की सूरत में इस तरह से है, आगे हम इसको देख रहे हैं, आगे इसकी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है पोलीहेड्रल वगैरह। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV शॉर्ट फॉर्म में। और ये क्या किस डिजीज का सबब बनते हैं, प्लांटर वार्ट अक्सर जैसे फुट के अंदर, पाँव के सोल के अंदर एक जैसे एक सख्त किस्म का ऐसे स्ट्रक्चर एक बनती है। लोकल लैंग्वेज में जो भी आप इसका नेम दें, ये प्लांटर वार्ट वायरल डिजीज है। प्लांटर वार्ट आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और स्किन के अंदर जो सोल बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, थोड़ी से उसकी ग्रोथ बन जाती है। इसी तरह से ये कॉमन वार्ट होता है, कॉमन वार्ट अक्सर जैसे हाथों पे इस तरह से ग्रोथ होती है, ये कॉमन वार्ट है। इसके अलावा एक पॉक्स वायरस है जो स्मॉल पॉक्स जिस्म पे जैसे ऐसे पस से भरे छोटे छोटे दाने सारे जिस्म पे होते हैं। जैसे आजकल जैसे एक बहुत ही बड़ी पेंडेमिक है, अभी फिलहाल तो एंडेमिक है, बाद में भी पेंडेमिक मंकी वायरस जैसे आपने सुना है, वो एक पॉक्स वायरस है, मंकी वायरस दैट इज अ पॉक्स वायरस, जिस्म पे इस तरह से जो है पर्सल बबल्स होते हैं। एक इस तरह से पेपुवा वायरस पेपिलोमा का सबब बनता है। स्किन के ऊपर इस तरह से ग्रोथ होती है, इसे हम कहते हैं पेपिलोमा। ठीक है, पेपिलोमा, पेपुवा वायरस काजेस पेपिलोमा, तो पेपुवा वायरस काजेस पेपिलोमा। ठीक है, इसी तरह से पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस काजेस मम्स एंड मीजल्स, खास तौर पे छोटे बच्चों के अंदर, छोटी एज के ही अंदर, तकरीबन जैसे खसरा की बीमारी आपने जैसे सुनी होगी, तो जिसमें सारे जिस्म पे जैसे मीजल्स में सारे जिस्म पे छोटे छोटे दाने होते हैं, इसे कहते हैं मीजल्स कहते हैं, इट इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। इसी तरह से पैरामिक्सो वायरस आल्सो कॉज मम्स, जिस तरह से आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड हमारे एक्सटर्नल ईयर्स या पिना के नीचे होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स दोनों साइड, इनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पूरा गला जो उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, तो ये वायरल डिजीज है पैरामिक्सो वायरस की वजह से। जैसे एक नॉर्मल किसी एक जैसे बच्चे की तस्वीर है, उसके बाद जैसे स्वेलिंग पैरोटिड ग्लैंड की मीनिंग है, ये पैरोटिड ग्लैंड इलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो यानी ये पूरी जैसे नेक रीजन और इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, पेन भी होता है, फीवर भी होता है, तो इस तरह की ये वायरल डिजीज है, उसे हम कहते हैं मम्स कहते हैं। और ये जो है मीजल्स है, इसे हम कहते हैं मीजल्स कहते हैं। मीजल्स एंड मम्स बोथ आर कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस, दे आर कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस। इसी तरह से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फुट माउथ डिजीज, जो ब्लिस्टर ऑन माउथ एंड फुट होता है एनिमल्स के अंदर, जैसे ये माउथ रीजन है उसके अंदर ऐसे ब्लिस्टर्स बन गए, इसी तरह से फुट है उसके अंदर भी ऐसे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, माउथ फुट डिजीज इन कैटल FMD, फुट माउथ डिजीज, ये भी एक वायरल डिजीज होती है, ये भी एक वायरल डिजीज है। उसके बाद वायरसेस की जैसे क्लासिफिकेशन कैप्सिड के बेसिस पे भी है, कैप्सिड के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, एक हेलिकल वायरस है जैसे अभी हमने TMV पढ़ा, इसी तरह से पोलीहेड्रल है, एडीनो वायरस पोलीहेड्रल, थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन देंगे।
इनवेलप्ड वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड बैक्टीरियोफेज है, जिनकी इलस्ट्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, लाइक ये इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन, जैसे ये पोलीहेड्रल वायरस है, और जिस तरह से हेलिकल वायरस TMB है, और ये एडीनो वायरस है, एडीनो वायरस, और इसी तरह से ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, इनवेलप्ड वायरस, और जिस तरह से कॉम्प्लेक्स वायरस, जिस तरह से उसका बैक्टीरियोफेज उसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी इलस्ट्रेशन हैं, जस्ट आपको जैसे टाइप और याद करना है कि किस तरह का उसका कैप्सिड होता है, कैप्सिड किस तरह का होता है, हेलिकल कैप्सिड TMB, पोलीहेड्रल कैप्सिड एडीनो वायरस, एनवेलप्ड वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है, जिस तरह से बैक्टीरियोफेज इज हैविंग कॉम्प्लेक्स कैप्सिड, पोलीहेड्रल उसका जैसे हेड होता है, पोलीहेड्रल हेड होता है। तो कैप्सिड के बेसिस पे भी जैसे क्लासिफिकेशन की जा सकती है, कैप्सिड के बेसिस पे। अगेन जैसे अभी हमने पढ़ा था कैप्सिड के बेसिस पे, तो जैसे हेलिकल कैप्सिड TMB के अंदर ये हेलिकल कैप्सिड है, उसके बाद जैसे पोलीहेड्रल एडीनो वायरस में पोलीहेड्रल, जैसे मैंने इसके साइड्स के हवाले से जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है,